जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बताया कि बेस लाइन जो पिलर्स हैं हाउ टू डील विद डिफिकल्ट पीपल ये सेट होने चाहिए और वो पिलर्स पे जब आप आप वर्किंग करना शुरू कर देंगे नाउ आई एल टेल यू हाउ यू कैन गेट टू द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड दिस इज कॉल्ड अ थ्री एफ मॉडल द थ्री एफ स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी फैक्ट्स एंड फ्रस्ट्रेटेड रिलेशनशिप इसको एक एक लेकर चलते हैं नंबर वन फैक्ट्स आप कभी भी किसी से बात करें और दैट पर्सन इज बींग डिफिकल्ट मेक श्योर यू हैव योर फैक्ट्स विथ यू कोई नंबर्स के थ्रू रिपोर्ट्स के थ्रू द वे दैट पर्सन हैज बिहेव और कोशिश करें कि उस फैक्ट्स पे ही आप उन उस शख्स के साथ बात करें मेक श्योर योर फैक्ट्स आर स्ट्रेट मेक श्योर पासिंग ऑन द बक जिसको हम कहते हैं ब्लेम गेम को ये चीज ना हो रही हो और आप अपने मुद्दे से डिविएट ना कर रहे हो दैट इज द फर्स्ट एफ द सेकेंड एफ इज फ्रीक्वेंसी कितना फ्रीक्वेंटली ये आपके साथ हो रहा है उस शख्स के साथ आप ये या आपकी टीम मेंबर्स के साथ हो रहा है ये जानना बड़ा जरूरी है मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं ऑफिस के अंदर कोई शख्स कॉमनली लेट आ रहा है और आपने उससे एक दो बार बात की बट दैट इज नॉट दैट इज नॉट प्रोसेसिंग फ्रॉम देयर एंड सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट एंड देन हैव अ चैट टू दैट पर्सन उससे बात करनी पड़ेगी आपको कि ये चीज जो आप अभी कर रहे हैं दैट इज नॉट हेल्पिंग योर करियर प्रोग्रेशन और योर और माई प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी ओवरऑल नंबर थर्ड थर्ड एफ इज फ्रस्ट्रेटेड रिलेशनशिप नाउ व्हेन यू हैव योर फैक्ट्स एंड योर फ्रीक्वेंसी तो आपको अंदाजा होने लगेगा कि वो शख्स के साथ आपकी पर्सनालिटी क्लैश आपके एथिकल क्लैश या ओवरऑल पॉलिसीज या पॉलिटिक्स पे क्लैश चलना शुरू हो जाएंगे मेक श्योर sure कि यू व्हेन यू आर टॉकिंग टू दैट पर्सन आप ये चीज़ डिलीवर करें कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है आप ये चीज़ उन्हें बताएं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और किस तरह से उनको बेहतर बनाना चाहते हैं या वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है या करती है जेंडर न्यूट्रल और आप किस तरह से दोनों साथ मिलकर काम कर सकते हैं फ्रस्ट्रेटेड रिलेशनशिप्स के अंदर कहीं पर भी तोहमत लगाना नहीं होता आंसर द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड दैट इज इट अ पर्सनैलिटी इशू और देर इज समथिंग लार्जर ऑन द बैकहैंड सो मेरा आपसे सजेशन क्या है मेरा आपसे सजेशन ये है अगेन द पीपल हु आर बींग डिफिकल्ट टू यू आइडेंटिफाई Do you have facts? Do you know how frequently it is happening? Or is it a frustrated relationship?